गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप नजर आ रहा है, तो गैप अप में अगर हम मार्केट को देखें तो डायरेक्ट यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। क्यों एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है वो तो अगर आप चार्ट देखो ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग करना शुरू किया। सेलिंग करने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट करा तो जो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे या बहुत छोटी क्वांटिटी उनके पास होगा। तो ऐसे में अपर साइड डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। और मार्केट में डाउनसाइड की अगर हम देखें तो बायर काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे हैं। ये जो बायर बैठे हैं इनको भी ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ चुका है। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा, लेकिन मार्केट अगर थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करके उसके बाद अगर डाउनसाइड का मोमेंटम करता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइड में काम करने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू करता है तो फिर 44,000 के ऊपर ही हम कुछ देखें, इसके मिडल में तो कुछ नहीं होने वाला। कहीं से भी मार्केट में रिजेक्शन को ही देखूंगा। इसके ऊपर निकल जाता है या बाय चांस एक ही ग्रीन कैंडल में ऊपर चलना शुरू कर देता है तब कुछ अलग कहानी मार्केट बना सकता है। वो हम देखेंगे कैसे करता है मार्केट। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। निफ्टी में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब क्या हो सकता है कि दोनों में कंटिन्यू सेलिंग आ सकता है, जो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा करे मार्केट, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। और अभी जस्ट मार्केट का ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं। हमें जैसा मार्केट चाहिए था वैसा मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेगेटिव साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर डालने वाले हैं। यहाँ पे हम 800 क्वांटिटी मार्केट के अंदर बाय करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में एंट्री लेते हैं। 800 क्वांटिटी यहाँ पर भी ऐड करेंगे और उसके बाद मार्केट को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस के नीचे नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अपना निफ्टी का भी पोजीशन बनाएंगे, 800 क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 5000 के राउंड 6000 के राउंड लॉस नज़र आ रहा है मार्केट को। थोड़ा अभी देखिए ब्रेकआउट अगर हो गया ना तो ये सेटअप हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था कि निफ्टी में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट बन जाए और बैंक निफ्टी यहाँ से अपना रेजिस्टेंस ले ले, वो अच्छा पैटर्न होता। लेकिन मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो देखना पड़ेगा, लॉस वगैरह भी हो सकता है। 28000 के राउंड पोजीशन बनाते ही लॉस नज़र आना शुरू हो गया। तो मार्केट में हमने पोजीशन क्यों बनाया, देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहे थे हमें, डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन गिरावट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे थे ना वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, तो इनको टारगेट करना मुश्किल था। तो मैं चाहता था कि मार्केट में कोई पैटर्न बने, कोई मार्केट के अंदर जैसे अपसाइड का मोमेंटम आए, ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा, फिर हमें निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया। तो ये मेरा पैटर्न अच्छा था, मुझे लग रहा था कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है और 31000 के अराउंड हमें लॉस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो गया मार्केट, देखते हैं इसका हाई कितना है, 944। अगर हम अभी तक सही हो सकते हैं, अगर ये जो भी इसने इसी कैंडल का हाई बना इसको क्रॉस ना करे, अगर इसे दो पॉइंट भी ऊपर जा रहा ना तो फिर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, फिर हम कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि बायर को मार्केट टारगेट नहीं करने वाला, कुछ यहाँ पे सेलर बिठाए मार्केट ने, उसके बाद दोबारा से अपसाइड निकल गया और अब जब ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू भागने वाला है। तो अब तो देखिए मुझे लगता है कि लॉस ही हमारा होने वाला है। तो पहले हम लॉस डिसाइड कर लेते हैं, 90,000 के आसपास हम यहाँ पे लॉस रखने वाले हैं। अभी अपना 10% लॉस चल रहा है, निफ्टी को देखते हैं। ट्रेड क्यों बनाया था, ट्रेड बनाने का देखिए मेरा लॉजिक यही था कि मार्केट में डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि मार्केट में जो भी सेलिंग हुआ था मार्केट ने इस प्रकार का मोमेंटम करके उनको निकाल दिया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ये भी बता था कि बायर की भी एसएल अवेलेबल नहीं है, कि हम बायर को मार्केट में डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड आना शुरू हो गया। तो थोड़े बहुत जैसे ही सेलर वगैरह आने की कोशिश किए मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करके उनको निकाल दिया होगा। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह ले लेगा, तब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, एंट्री बनाना शुरू कर दिया था। अब ये जो मोमेंटम आया ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा हमें लॉस नज़र नहीं आ रहा, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हम यहाँ पे रखेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं 1,00,000 के आसपास बन जाए, क्योंकि हमारा एंट्री काफ़ी अच्छा है और लॉस भी हमें ज़्यादा नज़र नहीं आया और मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है, मिनिमम देखिए 640 तक तो मार्केट आ सकता है, चाहे वो डे टाइम में आए चाहे अभी कंटिन्यू मोमेंटम करता है, इतना तो मोमेंटम कर सकता है। लेकिन हमें चाहिए टारगेट, तो टारगेट मिल जाए 900 से 700 तक आराम से हमें टारगेट मिल जाए, यानी कि इसके आसपास, या ये थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करेगा तब तक हमें टारगेट मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। और अभी हमें जस्ट देखना है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। अभी तो अपना 28,000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है, निफ्टी भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी रिजेक्शन दे रहा है थोड़ा बहुत, देखते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन वगैरह मिल जाएगा तो थोड़ी बहुत ऐसा सोच सकते ही मार्केट में गिरावट आ जाएगा, अभी हमें देखना होगा। 2-3 मिनट में फैसला कर लेगा मार्केट, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। देखिए ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ट्रेड नहीं कर सकता था, लेकिन पॉजिटिव साइड में मुझे एसएल चाहिए थे,
एसएल यहाँ पे क्यों नहीं मिलने वाले थे सेलर के, क्योंकि ऐसा मोमेंटम देखने के बाद यहाँ पे कोई बड़ा सेलिंग करके भी अपनी क्वांटिटी लेकर नहीं गया होगा मार्केट के अंदर, ये भी था। दूसरा यहाँ पे ये भी था कि मार्केट के अंदर कोई मेजर लेवल भी नहीं था जिसके अकॉर्डिंग कोई बड़ी क्वांटिटी में सेल करके चला जाए। उसके बाद यहाँ पे जो बायर थे ना वो प्रॉफिट में बैठे थे, इसीलिए मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो मुझे समझ में नहीं आया कि मार्केट क्यों करना चाहता है ऐसा मोमेंटम, लेकिन जब बड़ा गिरावट करना चाहता है तो मार्केट ऐसा करता रहता है। तो अभी अपना 23,000 के राउंड लॉस नज़र आ रहा है, जस्ट वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में जो लॉस चल रहा था वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा चला गया था, लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक तो कुछ भी करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोबारा से ये मार्केट ने क्रॉस किया ना तो फिर मार्केट कंटिन्यू बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। अभी तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही वैसे तो, और अभी अपना 10,000 के अराउंड प्रॉफिट भी चल रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। तो देखते हैं मार्केट में कितना टाइम लेता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में डाउनफॉल आ ही जाएगा, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि डाउनफॉल मार्केट करे, लेकिन वो कब तक कर सकता है, जब तक मार्केट अपना ये जो भी हाई वगैरह बना के गया इसके नीचे नीचे रहता है। अगर ये क्रॉस कर देता है फिर हमें अच्छा बाइंग का मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर आसपास 44,000 का लेवल आ जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट बनाएगा, ब्रेकआउट बनाता और ऊपर चला जाएगा, तो वो एक अलग कहानी मार्केट बनाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी तो अपना प्रॉफिट चल रहा है तो हम डाउनसाइड ही एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मार्केट आ जाए, और निफ्टी वगैरह भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी का तो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है मार्केट, लेकिन प्रॉफिट हो जाना चाहिए, अभी तो ऐसे ही लग रहा है, तो जस्ट वेट करेंगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपने पोजिशन में 52,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा सेलिंग का कैंडल तो बना है, निफ्टी ने अभी तक तो चलना नहीं शुरू किया, लेकिन ये भी साथ साथ में आ जाएगा, तो देखते हैं। ऑलमोस्ट हम टारगेट के आसपास ही ट्रेड करना शुरू कर देंगे, 75-72, और यहाँ पे अपना टारगेट हम रखने वाले हैं, देखते हैं इस लेवल तक तो पहुँच जाए, उससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करना होगा, तो लगभग 80-90,000 के ऊपर ही हम रखने वाले हैं, अगर मोमेंटम अच्छा चलता रहता है। अगर साइडवेज दोबारा ऐसे हो जाता है फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो इनको चलने देते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी के अंदर दोबारा अपसाइड का मोमेंटम आ गया, बैंक निफ्टी भी छोटे मोटे कैंडल बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी तो अपना 55,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन दिक्कत बढ़ जाएगी अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा ही कम कर देगा। हमें टारगेट के आसपास ट्रेड करके लॉस लेना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कोशिश यही है कि मार्केट जल्दी से नीचे आ जाए और हम मार्केट के अंदर टारगेट बुकिंग करके निकल जाएं। ठीक है, लालच यही था कि मार्केट गिर रहा था, अच्छा कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा था तो मोमेंटम आ सकता था कंटिन्यू, अदरवाइज तो मैं निकल ही जाता, वहाँ पर भी ठीक ही लग रहा था, टारगेट अच्छा था, लेकिन टारगेट बड़ा किया जा सकता है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है रिस्क लेना भारी पड़ जाता है मार्केट के अंदर, तो देखते हैं। वो आज का दिन नहीं होना चाहिए, मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम आ जाए, टारगेट नज़र आने दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली अपनी पोजीशन को हम काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, तो अब हमें मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने इस बार रिवर्सल किया तो मार्केट का ज़्यादा ही दिमाग घूम जाएगा, और इस बार हमें निकल जाना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और टारगेट भी हम बहुत अच्छा यहाँ पे देख चुके हैं, और अब 1,00,000 से ऊपर चला है तो मैं वेट कर लेता हूँ, अब चाहे कुछ भी घूमता रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 से ऊपर ऊपर, 1,00,000 के नीचे जाएगा ना तब मैं थोड़ा सा मार्केट को देखता हूँ कि क्या करने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा चलने देते हैं इनको, वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी पोजिशन से एग्जिट लेने वाले हैं, रेड कैंडल तो बन रहा है दोबारा से, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया मार्केट का, अब कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है, पेंडिंग है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करे, तो 1,07,000 के अराउंड मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बना पाए। मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाया था, सबसे पहले हमें नज़र आ रहा था कि मार्केट में डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, अपर साइड क्यों अवेलेबल नहीं है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मार्केट में देखिए अच्छा सेलिंग होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, तो जो भी सेलिंग करके बैठे थे इस चार्ट के अंदर वो निकल गए होंगे, या बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लेके बैठे होंगे, तो उनका कोई मार्केट कर नहीं सकता था कुछ, लेकिन यहाँ पे जो बायर थे ना वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, तो इनको भी डायरेक्टली टारगेट करना मुश्किल था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट कर ले, उसके बाद हमें डाउनफॉल करेगा तो वही ट्रेड हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैंने वेट किया। उसके बाद जैसे मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद मेरा ये प्लानिंग था कि मार्केट यहाँ पे हाई के आसपास रेजिस्टेंस ले लेगा, निफ्टी के अंदर हमें ऑलरेडी छोटा सा ब्रेकआउट नजर आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, तो ये एक दो कैंडल तो मार्केट ने एक्स्ट्रा निकाल दिए, लेकिन उसकी मार्केट ने कमी को पूरा कर दिया इस प्रकार के मोमेंटम को देखकर। यहाँ पे 5-10 मिनट मार्केट ने डेफिनेटली वेट किया, थोड़ा बहुत देखा है मार्केट में साइडवेज हो गया था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो ये ठीक ठाक मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलने के कारण अच्छा प्रॉफिट हमारा बन गया। निफ्टी ने कोई ज्यादा मोमेंटम तो नहीं किया, लेकिन लॉस नहीं दिया, वो भी अच्छी बात होती है, लॉस ना देना वो भी इंडेक्स बहुत अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा, काफी बार निफ्टी मोमेंटम कर देता है, तो निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि रिट्रेसमेंट यहां से हो सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगा, उसके बाद आपको फर्दर देखना होगा कि मोमेंटम कैसा आता है,
तो मोमेंटम आ सकता है दोबारा से नेगेटिव का, लेकिन कुछ रिट्रेसमेंट डेफिनेटली मार्केट कर सकता है क्योंकि थोड़े बहुत एसेट वगैरह क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्केट में नीचे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बाई चांस ऊपर भी जा सकता है, तो ये भी ऐसा हाल है क्योंकि ये बायर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो वो मार्केट को धीरे धीरे एसेट वगैरह क्रिएट करके उसके बाद ही नीचे जाने वाला है। तो ऐसे ही मार्केट काम करे, उसके बाद में भी दोबारा से कोई अलग जर्नी हमें देखने को मिले और अभी निफ्टी भी दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे। हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मार्केट के अंदर पोर्शन का बनाया था 9:30 के राउंड पोर्शन बनाया था, 10:33 के राउंड हमने सभी पोर्शन को मार्केट में काट दिया। तो देखिए जब हम टारगेट बड़ा करने का मार्केट के अंदर प्लान बनाते हैं ना तब मे भी नहीं हो पाता है, लेकिन जब हमें कैंडल मिल जाता है तो मार्केट के अंदर वेट कर लेता हूँ। पहले मैं पोर्शन काट सकता था लेकिन जैसे निकला मोमेंटम तो हमने वेट कर लिया। तो ये बातें आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप बड़ा टारगेट करोगे या नहीं करो, वो काफ़ी बार मार्केट ही आपको दे देता कि चलो आप कर सकते हो। काफ़ी बार मार्केट आपको लगता है कि टारगेट बड़ा करने वाला लेकिन वो नहीं करने देता आपको, तो वो अलग अलग मार्केट के बिहेवियर के ऊपर देखना पड़ता है कि आप टारगेट आज के दिन बड़ा करोगे या नहीं करोगे। मैं आज के दिन ऐसा प्लान तो नहीं था कि एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट निकला मैंने वेट किया और वेट करने के बाद अगर निकलता रहता कंटिन्यू तो मैं बैठा रहता, लेकिन जैसे ही नजर आया कि मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट कर सकता है मैंने अपना पोजिशन का एग्जिट ले लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।